भारतीय कार बाजार में कारों को लेकर टाटा ने धूम मचा दी है। पिछले एक दो साल में तो टाटा ने अपनी सारी गाड़ियों को फेसलिफ्ट किया है। फेसलिफ्ट क्या किया भाई, सारी गाड़ियों को ना लग्जरी और बिल्कुल ऐसा बल्कि लुक दे दिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर, गाड़ी का एक्सटीरियर हमें कैसा मिलने वाला है और इंटीरियर हमें कैसा मिलने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताएं भैया सामने वाला कलर आपको देखने में कैसा लग रहा है। तो चलो भी शुरू करते हैं, पहले इसकी फ्रंट प्रोफाइल चेक करते हैं, फ्रंट प्रोफाइल में हमें क्या क्या मिल जाता है। तो सामने से देखेंगे गाड़ी में, सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो सामने की ग्रिल है वो ब्लैक एंड क्रोम फिनिश है, क्रोम इसमें है, ये प्लास्टिक की हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे देखेंगे हार्ड प्लास्टिक है। आगे ये रडार सेंसर मिल जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों साइड में पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं, बीच में कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रंट का कुछ ऐसा लुक आता है। यहाँ पे हम साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो हैंड लैम्प देखने को मिल जाते हैं, एलईडी ऑटो हैंड लैम्प है, साथ ही आपको एलईडी फॉग लैम्प मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो एरोडायनेमिक के लिए स्पेस दिया हुआ है, यहाँ से गाड़ी का जो है एरोडायनेमिक जो कि माइलेज में इसकी हेल्प करता है, तो यहाँ पे इसका एरोडायनेमिक स्पेस दिया हुआ है। ऊपर लाइट दी हुई है। इस गाड़ी की जो सबसे मेजर अपडेट है वो इसके DRL है। ये DRL आप देख रहे हैं, ये DRL इसका इंडिकेटर का भी काम करते हैं और इसकी कनेक्टिंग जो लाइट है ना उसमें वेलकम और गुड बाय सीक्वेंस है, जो देखने में बहुत ही कूल लुक देता है। जो रोड प्रेजेंस में आएगी ना गाड़ी, जब रोड पे खड़ी होगी एकदम से जब DRL जलेगा सामने से तो पब्लिक देख के परेशान हो जाएगी। हेड टर्निंग मूवमेंट इस गाड़ी में आने वाला है। बाकी तो फ्रंट लुक इसका ओवरऑल ओके है। मुझे एक चीज सबसे खराब लगी वो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ना ग्लोसी फिनिश दे दिया है। अब नीचे से कोई मान लो झाड़ झपोड़े में जाएगी गाड़ी, एक्सयूवी गाड़ी है, पहाड़ों पहाड़ों में ले जाओगे ऑफ रोड, पत्थरों से टकराएगी, तो यहाँ पे ना ये बैड लुक देने वाला है, यहाँ पे स्क्रैचेज आ जाने वाले क्योंकि ये ग्लोसी फिनिश है। इसका थोड़ा हार्ड होता है तो प्लास्टिक और अच्छा रहता। तो ये फ्रंट फेंडर बहुत ही मजबूत है, लाइटों का लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है, जो साइड में लाइट है, ऊपर से DRL का जो ये आ रहा ना शेप ये और भी खतरनाक हो जाने वाला है। गाड़ी के साइड लुक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट में ही जो टायर मिलते हैं वो 18 इंची एलॉय मिलते हैं चारों तरफ। ये जो इसका दिया हुआ है ये एलॉय, ये एरोडायनेमिक है, तो इसमें जो गाड़ी का माइलेज है वो एरोडायनेमिक की वजह से हमेशा ही बढ़िया रहेगा। साइड में जाएंगे तो फ्रंट डोर पे आपको हैरियर की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो बहुत ही कूल लुक देती है गाड़ी में। उसके बाद ऊपर आपको ORVM मिल जाता है, ORVM जो है इसका इलेक्ट्रिक ORVM है। नीचे यहाँ पे आपको क्यूट LED लाइट मिल जाती है, साथ ही नीचे यहाँ पे आपको 360 कैमरा मिल जाता है। ये हो गया इसका थोड़ा साइड का लुक, पीछे तक देखेंगे तो कुछ ऐसा लुक आता है इसमें। बात करेंगे गाड़ी के बैक लुक की, तो बैक लुक में आपको जो है कनेक्टिंग जो है टेल लाइट मिल जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ये टेल लाइट जो है ये कनेक्टिंग है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे तो हैरियर की जो है ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, ऊपर टाटा का लोगो है, टाटा के लोगो के जस्ट नीचे यहाँ पे 360 कैमरा दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर आएंगे तो पीछे का वाइपर दिया हुआ है, इसमें हिडन नहीं किया है, नेक्सन में जो ये वाइपर ऊपर की तरफ है यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये ऊपर रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, ऊपर शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाता है, ऊपर से पूरा ब्लैक फिनिश है, ब्लैक एंड ग्रीन का यहाँ पे फिनिश देखने को मिल जा रहा है कलर में आपको। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं, एक इधर एक इधर। नीचे का फेंडर की बात करेंगे पीछे की, तो ये पूरा ग्लोसी फिनिश फेंडर है, हार्ड प्लास्टिक है थोड़ा इसको। गाड़ी के दोनों फ्रंट डोर में आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, यहाँ भी है और उस साइड के डोर में भी है। तो फ्रंट में दोनों में रिक्वेस्ट सेंसर है, पीछे वाले जस्ट फ्लैप लॉक है। गाड़ी के राइट हैंड साइड में आपको फ्यूल टैंक का ऑप्शन मिल जाता है। टाटा जितनी भी अपनी गाड़ियां अपडेट कर रही है ना उसमें ऑटो रेंज सेंसर दे रही है, तो पीछे ऊपर कैमरा दिया हुआ है, एडास फीचर इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर जो ऑटो रेंज सेंसर है तो आपको पीछे से वाइपर चलाने की जरूरत नहीं है, जब गाड़ी स्टार्ट रहेगी तो यहाँ से ऑटोमेटिकली जब रेन डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली जो है वाइपर इसके काम करना स्टार्ट कर देंगे। गाड़ी की छत की बात करेंगे तो इसमें दोनों साइड में रूफ रेल दी हुई है, रूफ रेल जो है इसकी हार्ड प्लास्टिक है, ब्लैक फिनिश्ड है, तो गाड़ी का जो लुक है वो ऑल ओवर जो गाड़ी का लुक है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है इसके जो कलर कॉम्बिनेशन की वजह से। आप देख रहे हैं पूरा मतलब क्या खतरनाक लुक आ रहा है। अब जरा देखते हैं गाड़ी के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। भाई पहले गाड़ी का फ्रंट डोर देखते हैं, फ्रंट डोर हमें कैसा मिल जाता है। डोर जो है इसका काफ़ी हैवी है, अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा मतलब फैब्रिक फिनिश है तो थोड़ा सॉफ्ट लेदर भी इसे हम कह सकते हैं। ये ऑटो विंडो बटन मिल जाते हैं, यहाँ पे जो हैंडल लॉक है ये क्रोम फिनिश दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा ये डोर हैंडलर है इसका भी ब्लैक, इसके जो ब्लैक और ग्रीन का जो मिक्सअप दिया हुआ है गाड़ी के साथ दिया हुआ है। नीचे यहाँ पे आपको एक बोतल होल्डर मिल जाता है, इधर भी आप एक बुक होल्डर या फिर एक छोटी डायरी रख सकते हैं। यही नीचे आपको रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं, ये गाड़ी का जो है फ्रंट डोर है। अब दिखाता हूँ मैं आपको बैक डोर, बैक डोर भी काफी हैवी है, थंब इसका बहुत ही खतरनाक, बिल्कुल जबरदस्त थंब आ रहा है। पीछे वाले डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो विंडो लॉक मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश डोर, ये क्रोम फिनिश डोर लॉक मिल जाता है, साथ में डोर हैंडल जो है वही सेम जो आगे फिनिश दी हुई है, थोड़ा ग्लोसी यहाँ पे ब्लैक ग्लोसी, उसके साथ ये सॉफ्ट लेदर, अरे भाई रोको इसको, सॉफ्ट लेदर है। उसके बाद नीचे एक ट्रे दी हुई है छोटी सी, उसके बाद यहाँ पे एक बोतल होल्डर है और इधर भी आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। तो ये पीछे का थोड़ा डोर का प्रोफाइल है। यहाँ पे एक चीज़ सबसे बेस्ट दी है वो है ये भाई, ये शीट, ये कर्टन शीट,
ये सबसे बेस्ट चीज दी है, तो आप धूप में भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें इनबिल्ट कर्टन शीट है, तो आपको ये खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो भाई गाड़ी का एक्सटीरियर तो हो गया, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और इंटीरियर में देखते हैं क्या क्या मिल जाता है, क्योंकि इसमें जो मेजर अपडेट हुई है वो तो इंटीरियर में हुई है। तो चलो भाई गाड़ी के अंदर बैठते हैं और शुरू करते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा गाड़ी की चाबी से। गाड़ी की चाबी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसमें चार बटन टोटल है, इसमें से एक लाइट इंडिकेटर के लिए है, एक बूट ओपन के लिए, एक गाड़ी लॉक के लिए और एक गाड़ी अनलॉक के लिए। तो ये आपको क्यूट सी दो चाबियां देखने को मिल जाती है। गाड़ी अभी बंद है, पहले मैं आपको बंद में दिखा देता हूँ बंद में कैसी है, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। तो भाई बात करेंगे गाड़ी के इंटीरियर में प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आपको देखने में डैशबोर्ड की जब बात करेंगे तो डैशबोर्ड देखने में काफी खतरनाक लुक आ रहा है डैशबोर्ड का। फिर राइट हैंड साइड में आपको जो है एसी वेंटिलेशन मिल जाता है, ऊपर मिरर एडजस्टर दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पे आएंगे तो बीच में आपको ये है टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पे अभी आपको टाटा का लोगो नहीं दिख रहा होगा, पहले इसमें टाटा का लोगो रहता था। अब इधर की तरफ आएंगे तो बीच में आपको जो है दो एसी वेंटिलेशन के वो मिल जाते हैं सिस्टम, उधर एक एसी वेंटिलेशन मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसकी डिस्प्ले जो है 12 इंची डिस्प्ले है। यहाँ पे ये जो है फिजिटोमीटर है, तो फिजिटोमीटर कैसे है वो मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, अभी गाड़ी बंद है। नीचे यहाँ पे आपको गियर शिफ्टर मिल जाता है, ये अपना क्यूट सा। यहाँ पे जो आपके गाड़ी के मोड शिफ्टर है, ये मोड शिफ्ट कर सकते हैं, ये वॉल्यूम बटन नहीं होता वैसा, ये राउंड घूमेगा तो ऐसा मोड शिफ्ट हो जाएगा। ये इसका गियर शिफ्टर हो गया। यहाँ पे इसका पावर बैंक के लिए नीचे यहाँ पे जो है चार्जिंग हब दिए हुए हैं, तो 45 वोल्ट का है। 45 वोल्ट का मतलब आप अपना मैकबुक भी इससे चार्ज कर सकते हो, तो लैपटॉप तक भी चार्ज हो सकता है इस गाड़ी से। पीछे की तरफ आएंगे तो ऑटो पार्किंग मोड दिया हुआ है। इधर की तरफ आएंगे दो कप होल्डर है, आर्म रेस्ट बहुत ही अच्छा सा है, आर्म रेस्ट के नीचे थोड़ी जगह दी हुई है। इसमें 12 वोल्ट का चार्जर है, यूएसबी चार्जर है 5 वोल्ट का, 3 एम्पियर का जो है टाइप सी भी मिल जाता है। अंदर थोड़ा सा स्पेस है, छोटी सी पॉकेट है। तो ये हो गया इसका फ्रंट में। अब दिखाता हूँ आपको ग्लव बॉक्स। तो ग्लव बॉक्स जब खोलेंगे तो ग्लव बॉक्स का जो है ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, मतलब नॉर्मल है। जो नेक्सॉन का ग्लव बॉक्स है वो बहुत बड़ा है। चलो अभी आप करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, और गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं इसमें कैसा लुक आता है। तो पहले पुश किया, एक स्टार्ट में किया, डोर ओपन, डोर बंद कर भाई, उधर से डोर बंद करो। तो देख रहे हो डोर ओपन का साइन आ जा रहा है कि डोर ओपन है तुम्हारा। अब किया मैंने गाड़ी को स्टार्ट और ये देख रहे हो क्या तगड़ा एनिमेशन आया है। अब मैं आपको बताता हूँ, पीछे यहाँ पे अभी एक सेकंड पहले लोगो नहीं था, तो ये है इल्यूमिनेटेड लोगो। स्टेयरिंग में ही आपको जो यहाँ पे चार फंक्शन मिल जाते हैं, कॉल्स के लिए, ये ब्लूटूथ कनेक्टिंग के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए। इधर आपको जो है क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। साइड में यहाँ पे पैडल शिफ्टर, यहाँ पे लाइट के लिए इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है आगे के वाइपर के लिए जो है इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। फ्रंट प्रोफाइल में आएंगे, यहाँ पे स्मूथ फिनिशिंग दी हुई है, ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, नीचे यहाँ पे स्टिच दिया हुआ है। अब बात करते हैं फिजिटोमीटर की। तो फिजिटोमीटर जो है ये फिजिकल और डिजिटल का मिक्सचर है, तो मतलब इसमें जो है फिजिकल बटन भी है, जैसे ये दो बटन हो गए, और डिजिटल जो है ये अंदर जो है इसके अंदर दिए हुए, तो इसको फिजिटल मीटर बोलते हैं। टाटा वाले ने इसका फिजिटल मीटर नाम दिया। डिस्प्ले आप देख रहे हैं स्टार्ट होने के बाद तगड़ी डिस्प्ले नजर आ रही है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये डिजिटल मीटर है। इसमें पूरा आप मैप वगैरह सब कुछ यहीं हैंडल कर सकते हो, तो ये मतलब ऐसे नॉर्मली है, ये पूरा आपका तगड़ा वाला डिजिटल मीटर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पीछे रियर ओरवियम की बात करेंगे तो रियर ओरवियम में आपको यार नाइट रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ से आप नाइट रिफ्लेक्टर एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको जो है एक रीडिंग लाइट देखने को मिल जाती है नॉर्मल सी। ड्राइवर साइड सनशेड की, तो यहाँ पे एक टिकट होल्डर होना चाहिए था जो कि नहीं है। लेफ्ट में आएंगे ये पैसेंजर साइड पे, तो यहाँ पे मिरर देखने को मिल जाता है, मिरर में लाइट भी है, तो ये सबसे बढ़िया चीज दिखी मेरे को। तो ये दोनों हो गए सनशेड, ये होगी पूरी फ्रंट की प्रोफाइल। यहाँ पे आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, साथ में एक नी एयरबैग भी आता है इसमें। तो ये गाड़ी का हो गया अंदर का। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये मूड लाइटिंग है, ये चेंज भी हो जाती है, तो यहाँ पे पूरा इंटीरियर में आपको मूड लाइटिंग देखने को मिल जाती है। आगे की जो दोनों सीट है वो आपको एयर वेंटिलेटर मिल जाती है, साथ में रिक्लाइनर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप अपनी सीट को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइनर के लिए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैंने स्टार्ट किया है, इसका रिक्लाइनर ऑन हो गया है, तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। अब चलते पीछे की तरफ, और मैं पीछे की तरफ दिखाता हूँ कितना स्पेस मिल जाता है और सीट कैसी है। बात करेंगे बैक सीट की, तो भाई बैक सीट जो है इसमें काफी स्पेशियस है, देखने में आपको लग ही रहा होगा। पीछे की जो सीट है इसमें आपको कुशन मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा कुशन जो पिलो की तरह काम करते हैं, एयरलाइंस में आपको देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ रीडिंग लाइट देखने को मिल जाती है, गाड़ी जो काफी स्पेशियस है। अगर मैं बात करूंगा हेडरेस्ट की, तो हेडरेस्ट आप देख सकते हैं जी, हेडरेस्ट आपको काफी अच्छा खासा मिल जाता है। नी स्पेस, लेग स्पेस काफी आ जाता है, थाई स्पेस यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिल जा रहा है। तो मैं कहूंगा भी मेरी हाइट 6 फीट है, 6 फीट के हिसाब से ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है अंदर से, पीछे की बैक सीट। इधर आपको एयर वेंटिलेशन मिल जाता है एसी के लिए, बीच में आपको एक छोटा सा पॉकेट मिलता है जहाँ पे आप फोन रख सकते हैं, नीचे चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है दोनों। यहाँ पे एक पॉकेट दी हुई है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट या कुछ रख सकते हैं। इधर एक एसी का वेंटिलेशन दिया हुआ है। सीट बेल्ट की बात करेंगे तो एडजस्टेबल सीट बेल्ट दी हुई है। पीछे यहाँ पे एयरबैग है, पीछे की साइड एयरबैग है। और भाई इन्होंने पूरा नोटिस किया मेरी लास्ट वाली वीडियो को ना, पीछे की तरफ दोनों तरफ रीडिंग लाइट दे दी। नेक्सॉन है उसमें भाई पीछे की रीडिंग लाइट नहीं है।
बात करते हैं अब सनरूफ की, तो सनरूफ दिखाता हूं मैं आपको। गाड़ी स्टार्ट करता हूं मैं, गाड़ी मैंने की स्टार्ट, ओके गाड़ी की मैंने स्टार्ट, अब मैं दिखाता हूं आपको सनरूफ। तो यहां पे आपको वाइट पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाती है, इसमें सनशेड भी है और सनरूफ भी है। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें, सनरूफ में बाहर रह के गाड़ी ना चलाएं, प्लीज ये रिक्वेस्ट आपसे। बाकी गाड़ी की सनरूफ बहुत ही वाइड है, सुपर सनरूफ हम जिसे कह सकते हैं, पैनोरामिक भी जिसे हम कह सकते हैं। चलो जी इसको बंद करते हैं। भाई ये गाड़ी की पीछे की सीट से देख रहे हो लुक कुछ ऐसा आ रहा है, गाड़ी बहुत ही पूरा डिजिटल बना दी है, मतलब ऐसी तगड़ी गाड़ी बना दी है ना, फ्यूचरिस्टिक कह सकते हैं। ऐसी गाड़ी जो है अगले 10 साल में नहीं आनी थी इंडिया में, पर टाटा ने जो है अभी के अभी 2023 में दे दी, बोला लो 28 की गाड़ी 23 में लो। तो भाई गाड़ी जो है बजट में बहुत ही सही लगी मुझे। अब जरा इसका बूट चेक करते हैं, बूट कितना मिल जाता है। बूट की बात करेंगे तो इसमें आपको जेस्चर ओपनिंग मिल जाता है, जेस्चर ओपनिंग मेरा शायद इसमें अभी काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक बटन है इसका, यहाँ पे एक अंदर बटन दिया हुआ, दबाएंगे आप खुल जा भाई, ये थोड़ा हल्का काम कर रहा है, ठीक है। तो बात करेंगे, यहाँ पे आपको जो है पुश बटन मिल जाता है, उससे आप डायरेक्टली इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। 440 लीटर का आपको वाइट बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, यहीं पे पीछे बूट लाइट भी दी हुई है, तो भाई अंधेरे में दिक्कत नहीं होगी। तो बूट स्पेस काफी तगड़ा है, ऊपर एक पार्शियल ट्रे आपको देखने को मिल जाती है। तो ये है भाई हैरियर का बूट स्पेस जो कि तगड़ा है, यहाँ पे एक पुश बटन है, आराम से दबाएंगे पूरा अपने आप ही ये बंद हो जाएगा दरवाजा। साथ में इसमें जेस्चर लॉक भी आता है और पुश बटन के लिए भी आता है। तो ये था इसका कुछ बैक का प्रोफाइल। तो दोस्तों होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली मैं वीडियो बनाने वाला हूँ सफारी की, तो अगली वीडियो पर जरूर जाएं और देखें और चैनल पर बने रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, टाटा, राम राम।